शहबाज शरीफ कागजात लंदन भूल आए, नैब को टारगेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन को जद में आता हुआ देख रहा हूं। चीनी बहरान पर रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान एक्शन लेंगे, शेख रशीद का दावा। कहते हैं भारत ने कश्मीर में फिर आग लगाना शुरू कर दी, पाक भारत तसादुम का खदशा है। कोरोना के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलता देख रहा हूं, उम्मीद है ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी शहबाज साहब अपने कागज लंदन भूल आए हैं, नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि उनको इजाजत मिलेगी लंदन जाने की। और टारजन की वापसी होके रहेगी, टारजन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। और टारजन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। जिस दिन शुगर मिलों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेगा। और ये जो प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि इमरान खान की कमिटमेंट है कौम के साथ कि किसी जखीरांदोजी को अंदोज को नहीं छोड़ूंगा। और खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई शरारत कर सकता है, जिस तरह वो कश्मीर में उसने दोबारा आग लगाना शुरू की है और जिस तरह वो कश्मीर में ये सारे मामलात कर रहा है। कोरोना के बाद मैं वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ देख रहा हूँ। हमारी कोशिश होगी कि 2-3 दिन के बाद अपना केस फिर रिव्यू के लिए ले जाएं। लोगों को बड़ी दिक्कत है, लोग तकलीफ में हैं। और अगर आप कारखाने खोल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं खोल रहे, तो ऐसे कारखानों की स्लाइटें जो हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ना खुले तो मुतासर होती हैं। हम अपने केस को ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे।